जब महाभारत में श्री कृष्ण ने तोड़ा था अपना वचन, श्री कृष्ण ने तो महाभारत की लड़ाई में कोई अस्त्र या शस्त्र उठाया ही नहीं, उन्होंने सिर्फ अर्जुन के सारथी बनने की बात स्वीकारी थी और पूरे युद्ध में अपने उपदेश दिए थे। लेकिन क्या ये वाकई सही है? इस बात के पीछे दो तर्क दिए जाते हैं। इन सब की शुरुआत तब होती है जब दुर्योधन भीष्म पितामह पर गुस्सा दिखा रहे थे। वजह ये थी कि एक भी पांडव नहीं मरा। अब भीष्म ने दुर्योधन को क्या उत्तर दिया, इसके बारे में भी दो कहानियां हैं। पहली कहानी के मुताबिक भीष्म गुस्सा होकर दुर्योधन को मंत्र पढ़कर 5 सोने की तीर देते हैं और कहते हैं कि उन्हीं से कल पांडवों का अंत होगा। इस पर दुर्योधन तीर अपने पास रख लेते हैं। जब श्री कृष्ण को ये पता चलता है तो वो अर्जुन को दुर्योधन के पास भेजते हैं। कथाओं में ये किस्सा मशहूर है कि अर्जुन ने दुर्योधन की जान बचाई थी और दुर्योधन ने अर्जुन को वचन दिया था कि वो उससे कुछ भी मांग सकता है। इसी में कृष्ण अर्जुन को दुर्योधन से 5 सोने की तीर मांगने को कहते हैं। दुर्योधन दे भी देते हैं। भीष्म पितामह इस बात से खपा हो जाते हैं और अर्जुन को मारने के लिए युद्ध करते हैं। भीष्म के आगे अर्जुन टिक नहीं पाते और गिर जाते। उस समय श्री कृष्ण रथ का टूटा पहिया उठाकर भीष्म को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि अर्जुन उन्हें रोक लेता है और बाद में भीष्म रथ से गिरकर तीरों पर गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण हथियार उठा लेते हैं। दूसरी कहानी में किस्सा वही है, लेकिन भीष्म दुर्योधन से वादा करते हैं कि वो द्रौपदी को विधवा बना देंगे 5 पांडवों को मारकर। जब कृष्ण को इस बात का पता चलता है तो वो द्रौपदी को भीष्म के पैर छूने को कहते हैं बिना ये बताए कि वो कौन है। द्रौपदी ऐसा ही करती है और भीष्म उसे सदा सुहागन रहने और लंबी आयु का आशीर्वाद देते हैं। जब उन्हें सच पता चलता है तो वो कृष्ण से खफा हो जाते हैं। उस समय श्री कृष्ण कहते हैं कि आपका वचन मेरी वजह से टूटा तो मेरा वचन आपकी वजह से टूटेगा। और इसके बाद ही कृष्ण अर्जुन को बचाने के लिए रथ का पहिया उठाते हैं।